आज बांदा सदर तहसील के मीटिंग हॉल में संपूर्ण समाधान दिवस पर लोगों की समस्या को सुनने पहुंचे जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने जनपद के सभी विभागों के अधिकारियों के साथ लोगों की समस्याओं को सुन विभागवार समस्याओं को संबंधित विभाग के अधिकारियों को शिकायतों के तत्काल व गुणवत्तापूर्ण समाधान के निर्देश दिए। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि कुल 105 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें जिलाधिकारी बांदा द्वारा 5 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया है। शेष शिकायतों को संबंधित विभाग को भेज दिया गया है, जिसका जल्द ही निस्तारण किया जाएगा। आज समाधान दिवस में ज्यादातर शिकायतें बिजली विभाग, राजस्व और साफ सफाई की रहीं। समाधान दिवस में कौन कौन अधिकारी आए थे, कितने मामले आए थे, कितने का निस्तारण हुआ? समाधान दिवस में जनपद के सभी करीब जिला स्तरीय अधिकारी, तहसील स्तरीय अधिकारी और BDOs ने आज प्रतिभाग किया है और कुल 105 जनता की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 5 का निस्तारण मौके पर कर लिया गया है। बाकी में विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि गुणवत्ता पूर्वक उसकी जाँच करके समय सीमा के अंदर उसका निस्तारण सुनिश्चित कराना है। सर, लग देखा गया किस विभाग की ज़्यादातर प्रार्थना पत्र है? देखिए, आज जो शिकायतें आई उसमें बिजली विभाग से संबंधित शिकायतें ज़्यादा थी, विद्युत आपूर्ति से रिलेटेड थी, बिल से संबंधित थी, कनेक्शन से भी संबंधित थी। इसके बाद ज़्यादा मामले भूमि और जमीनी विवाद से रिलेटेड शिकायतें रही हैं, तो हम लोग इसमें पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हो और बिजली की जो समस्या है उसमें उनको अलग से भी हम लोग इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो समय से इसको पब्लिक को सेटिस्फैक्ट्री सुविधाएं दे सकें। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।